हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर करने वाले हैं PYQ सॉल्व। आपको पता है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रही है। इसमें हमने क्या टारगेट किया है, 2019 से लेकर 2023 तक के हम सभी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व करेंगे, यानी एक क्लास में एक पेपर सॉल्व करेंगे। तो कल हमने सॉल्व किया था दिसंबर 2021 जून 2022 वाला फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व, ठीक है। आज हम करेंगे सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व। मैंने क्या, बच्चे क्लास में जुड़ने लग रहे हैं, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एक चीज का ध्यान रखना, कॉपी पेन अपने पास रखना, और जो क्वेश्चन आपको नया लगे लगे कि ये मैं गलत कर देता अगर मैं एग्जाम में सॉल्व करता, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, या आपके जो आते हुए क्वेश्चन गलत हुए उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि क्लास के बाद जाकर आप उन टॉपिक को अच्छे से दोबारे से अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जब हम PYQ सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, वो इसीलिए ही करते हैं हम, कि हम अपनी गलतियां देख लें, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और एग्जाम में वे गलतियां ना दोहराएं, ठीक है। तो अपने कॉपी पेन लेकर आ जाइए, अगर कोई कॉपी पेन लेकर साथ में नहीं बैठा है तो, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक चार प्रकरणों का सही अनुक्रम है। अनुक्रम में लगाना है आपको आदिकाल के चार प्रकरण। आप सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को चार प्रकरणों में रखा है, आपको क्रम से लगाना है, पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण, इस तरह, ठीक है। अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकल रचनाएं, देशभाषा काव्य। गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग खुशबू। चलो अब आप लोग जवाब दो, इनको आपको क्रम में लगाना है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अपनी दिखाई दे रहे होंगे। केवीसी देख देख कर आदत हो चुकी है कि आपको स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये रहे आपकी स्क्रीन पर आपके ऑप्शन, ऐसे होता है ना। जी, इसका जवाब हो जाएगा हमारा 2BADC। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, बुक का ही इंडेक्स मैंने रखा हुआ है आदिकाल। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। इसमें ये भी याद रखना कि फुटकल रचनाएं में खुसरो और विद्यापति को रखा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सब याद रखना। रासो काव्य किस प्रकरण में पाया जाता है, प्रकरण 3 में, ये भी याद रखना, ठीक है। सिद्धों का, नाथों का किस में वर्णन है, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य में। ओके, सुमित कुमार बोल रहे हैं जी मैम बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, ठीक है जी। देखो अभी हम दिसंबर वाले एग्जाम पर फोकस करते हैं, जो होगा बाद में देखेंगे एग्जाम के बाद, ठीक है। अभी हमारा फोकस ओनली अपने 11 दिसंबर को जो हिंदी का पेपर है उस पर होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि हमें इस बार GRF करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रत्न खान के रचयिता है रस खान, नंददास, मलुकदास, सुंदरदास। जी, भक्ति काल में 6 प्रकरण है। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, रत्न खान के रचयिता है। जी, इसका जवाब हो जाएगा 3, मलुकदास। आपको ये भी रामचंद्र शुक्ल वाली बुक में मिल जाएगा। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध है, रचनाएं तो इनकी काफी है, लेकिन दो पुस्तक इनकी बहुत प्रसिद्ध है, कौन कौन सी, रत्न खान और ज्ञान बोध, ठीक है। और ये पंक्ति, खैर ये तो सबके जुबान पर ही होती है, अजगर करे चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसीलिए मनु, श्रद्धा और ईरा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रम से है, श्रद्धा ईडा से भी सरलता से लग जाता है,
कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी है, यानी ये जो पंक्तियां कामायनी के बारे में आपको बताना है किसकी है। नंदलाले वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्ति बोध, प्रेम शंकर। जी, इसका जवाब हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, क्योंकि कामायनी की भूमिका से लिया गया है। कामायनी की भूमिका का ये पेज और ये जो कि तो पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो हमें क्या सीख मिलती है, भूमिका हमें इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है, ए कामना, बी राजश्री, सी विशाख, डी प्रायश्चित। आपको बताना है इन चारों में से क्या सही क्रम है। ओके, अभी का बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। जी, इसका जवाब हो जाएगा 4th, डी बी सी ए। एक बार यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के सभी नाटक का क्रम देख लेते हैं। सबसे जो इनका प्रथम नाटक है वो है सज्जन 1910 में, फिर कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913 जो आपके पेपर में पीछे पूछा गया है, राज्यश्री 1915 ये भी पेपर में पीछे पूछा गया है, विशाख 1921। ठीक है, तो उसके बाद अजात शत्रु 1922, जनमेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना जो पीछे आपके पेपर में पूछा गया 1927, स्कंदगुप्त 1928, एकहूत 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी के कुल कितने नाटक है, 13 नाटक है, 13 के 13 नाटक का आपको क्रम आप दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सफल जन्म मो को गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मो को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है कबीर, नामदेव, रैदास, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 इजी भी है और ये मैंने आपको कल भी करवाया, मतलब बताया था आपको, और ये पेपर में भी पूछा गया है। आंसर हमारा हो जाएगा नामदेव। कल हमने जब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व किया था तो उसमें ये पूछा गया था खेचरनाथ किसके गुरु थे। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में ये वाली पंक्ति पूछ ली गई, किसकी पंक्ति है। ठीक है, किसकी है, नामदेव की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है भूत पाली सी बूढ़ी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है, ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत, ऑप्शन 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 लोचन प्रसाद पांडे। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए, इजी ही है ये भी पंक्ति, प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है जी, इसका जवाब हो जाएगा 2 हरि ओध। ये आपको रामचंद्र शुक्ल वाली में मिल जाएगी, नहीं सॉरी ये दूसरी पंक्ति है, ये वाली नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है, ए लागव रंगहरी, बी परंपरा बंधन नई, सी आंगन का पंछी बंजारा मन, डी चितवन की चाह छा। इन चारों को आपको बताना है, क्रम से लगाना है विद्या निवास मिश्र के निबंधों को। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। नमस्ते जी नंदिता। जी, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर 2। टू होगा या डी होगा बताइए, 4 होगा, डी बी सी ए या डी सी बी ए। जी बिल्कुल, बी इसका जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
कोई बात नहीं नंदिता, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। मैम आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर आपको ये पंक्ति मिल भी जाएगी बुक में, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल वाले बुक में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द इजी क्वेश्चन है ये। शिवपालगंज, ये तो इतना पूछा जाता है ना एग्जाम में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पंजाब, पूर्णिया, शिवपालगंज, गंगोली। इधर उपन्यास के नाम लिखे हुए हैं, आधा गांव, राग दरबारी, मैलाचल, जिंदगी नामा। जी, इसका जवाब हो जाएगा 4। पंजाब जिंदगी नामा, पूर्णिया मैलाचल, शिवपालगंज राग दरबारी, गंगोली आधा गांव। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है, ए उत्तात प्रेम, बी लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अनुकरण, सी वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, डी ईसा पूर्व बौद्ध कालीन भारत की संस्कृति। इन चारों में से आपको बताना है बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसका जवाब हो जाएगा 1, ए और बी, उदात्त प्रेम लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन। तमस उपन्यास में वर्णित है, दाइजी क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विद्वेष, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। कल जब हमने पेपर सोल्व किया था फर्स्ट शिफ्ट का, तो फर्स्ट शिफ्ट में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, काशी झूठा सच उपन्यास से, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया तमस उपन्यास से, ठीक है। जी बिल्कुल, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी, विभाजन और सांप्रदायिक। इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हो, रामचंद्र तिवारी वाली बुक में आपको मिल जाएगा। इसमें एक चीज ये बिल्कुल याद रखिएगा कि तमस उपन्यास में लेखक ने 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी इस रूप में प्रस्तुत की है कि हम देश विभाजन के पूर्व की सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्य परिणति की विभीषिका से पूरी तरह परिचित हो जाए। ये याद रखेगा कितने दिन की, 5 दिनों की कहानी, क्योंकि सांप्रदायिकता, देश विभाजन, ये तो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये 5 दिन वाला क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार है, ए पॉइंट है, यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। बी पॉइंट है, यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। सी पॉइंट है, इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। डी पॉइंट है, यदि हिंदी के नाटककार यक्ष प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जवान,
में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक नया लिखा जाता। चार ऑप्शन है, आपको बताना है क्या जवाब होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, बंकिम नाटक की भूमिका से पूछा गया है। गुड मॉर्निंग आलोक जी। क्वेश्चन नंबर 12, जी इसका जवाब हमारा हो जाएगा 3 A और D। A और D यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो का तो ये भूमिका का पेज है। ठीक है, मैंने आपको ये भूमिका पढ़ाई भी है कंप्लीट, खुद लेखक ने ही लिखी है, जगदीश चंद्र जी ने ही खुद बकरी नाटक की भूमिका लिखी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। धरती धन्य अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। यह भी आपको बिल्कुल आपके लिए इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है धरती धरना अपना के लिए पंजाब, दलित जीवन, ये दो वर्ड याद रखने हैं, जैसे तमस के लिए देश विभाजन, सांप्रदायिकता, इस तरह। ठीक है, और पंजाब से संबंधित एक और उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, कौन सा? जिंदगी नामा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले यहाँ पर रामचंद्र तिवारी वाली बुक में भी आपको मिल जाएगा, क्या इसमें हरिजनों के उत्पीड़न की कथा लिखी गई है? हरिजन यानी कि दलित। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास, महासमर, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा, खंजन नयन। क्वेश्चन नंबर 14, जवाब दीजिए। जी इसका जवाब हो जाएगा 1 B और D, मानस का हंस, खंजन नयन। मानस का हंस, खंजन नयन दोनों अमृतलाल नागर के उपन्यास है। मानस का हंस तुलसी के जीवन पर आधारित है, तुलसीदास जी के, और खंजन नयन सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर आपको यह मिल भी जाएगा, मानस का हंस और खंजन नयन तुलसी और सूर के जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर्णा सबरे सो दुख पावा। उपयुक्त पंक्तियां किस सूफी कवि की है? 1 मलिक मोहम्मद जायसी, 2 नूर मोहम्मद, 3 उस्मान, 4 कुतुबन। जी इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, नूर मोहम्मद। ये आपको मिल भी जाएगा शुक्ल वाली बुक में ही, ये पंक्ति है। आगे चलते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए समय सरगम, बी जिंदगी नामा, सी सूरजमुखी अंधेरे के, डी दिलो दानिश। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जवाब दीजिए आप लोग। कोई बात नहीं, मैं तो अब लेट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन अभी तो 15 क्वेश्चन हुए, सॉल्व कर लीजिए, बाकी अभी तो 100 क्वेश्चन है हमारे, और जो आपके रह गए हैं वे बाद में देख लीजिएगा। जी इसका जवाब हमारा होगा 1 C B T A। देख लेते हैं इनका प्रकाशन वर्ष। सबसे पहले आएगा सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, फिर जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, और फिर समय सरगम 2000। ठीक है, उसके बाद इनके 6 उपन्यास है, 4 तो आपके पीछे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 2 बच्चे हैं उनको क्यों छोड़े, उनको भी देख लेते हैं। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017, चन्ना 2019 ईस्वी में। ठीक है, 6 उपन्यास का यहाँ पर जिक्र है बुक में, 6 के 6 का प्रकाशन वर्ष आपको बता दिया।
आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन नंबर 16 में सी बी डी ए सही जवाब तो है, कुछ लोग डी जवाब दे रहे थे। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। समस्त मानव जीवन के परिवर्तक भाव या मनोविकारी होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भावी प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? कविता क्या है? ऑप्शन 2 भाव या मनोविकार, ऑप्शन 3 मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ऑप्शन 4 तुम चंदन हम पानी। मैंने बताया हुआ है क्यूट गर्ल के नाम से जो लड़की आई है, पेपर 1 के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आपको पेपर 1 पढ़ना है जी। इसका जवाब हो जाएगा 1 कविता क्या है। कविता क्या है? निबंध से ही तो है ये क्यूट गर्ल। बस आप अब तो जो है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कीजिए पेपर 1 के। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां है? एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, संवदिया, ठाकुर का कुआं। ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन आप उस आधार पे भी कर लेते हैं आपके पाठ्यक्रम, यदि आपको याद है तो जी। एक टोकरी भर मिट्टी और आपके पाठ्यक्रम की भी एक ही रचना यहाँ पर दिखाई दे रही है चारों ऑप्शन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यूनानी, लैटिन, प्राकृत, तुर्की। जवाब दीजिए। और ये तो मुझे लगता है हम इतने दिन से PYQ सॉल्व कर रहे हैं, अब आपको याद हो गया होगा कौन सी आर्य भाषा है, कौन सी सामी भाषा है। ठीक है, और ये हर बार 3 साल तक कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है। जी, इसका जवाब हो जाएगा तुर्की। तुर्की किसकी है? तुर्की है तुरानी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपाध्येय नहीं है? 4 ग्रंथ है ये प्लेटो के, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपाध्येय नहीं है, आपको बताना है ये चारों के चारों ग्रंथ प्लेटो के। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी। इसका जवाब हो जाएगा 1 फिलेबस। ये मैं आपको आंसर की उसके आधार पर बताती हूँ जो एनटीए ने आंसर माने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं कर चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? ऑप्शन 1 मालती और मेहता, ऑप्शन 2 धनिया और होरी, ऑप्शन 3 झुनिया और गोबर, ऑप्शन 4 गोविंदी और खन्ना। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। जो बच्चे देर में आए क्लास में, रीजन क्या है क्लास में देर से आने का? जी, इसका जवाब हो जाएगा मालती और मेहता का मध्य जो है ये संवाद हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। पात्र से परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, शेखर एक जीवनी, गोदान, गोविंदी, लाला मदन मोहन, सर सुकन्या शारदा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22। जी, इसका जवाब हो जाएगा 1 परीक्षा गुरु, लाला मदन मोहन,
देवरानी जेठानी की कहानी सर सुकवनिया, शेखर एक जीवनी शारदा, गोदान गोविंदी। देखो ये होता है एग्जाम में, यहाँ पर तो ये मिलान वाले में पूछ लिया क्वेश्चन सर सुकवनिया, ठीक है, और यहाँ पर वन लाइनर में पूछ लिया उसी पेपर में, ठीक है। मेरठ में सरसुक नामक एक अग्रवाल बनिया था, इस वाक्य से आरंभ होने वाली कीर्ति कौन सी है? बामा शिक्षक, भाग्यवती, निशाए हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। यानी यदि आपको ये पता है सरसुक नामक बनिया किस रचना का पात्र है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, ये तो हो गया, इसका आंसर हमारा हो गया देवरानी जेठानी की कहानी। 24 पर चलेंगे, इसमें रचनाएं मैच करनी है। ये भी आपको अपने पाठ्यक्रम की, इनमें से दो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम की है, पाठ्यक्रम याद है तो कर लोगे आराम से। क्या भूलू क्या याद करूं, संस्कृति के चार अध्याय, हाथ से भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, रमणिका गुप्ता। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 24, आपके सिलेबस की रचनाएं हैं जी। इसका जवाब बिल्कुल 3 हो जाएगा, हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव। यदि आपको ये भी रचना याद है ना, और क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है भोला राम का जीव, तो आप देखोगे ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आपका हो जाना था। हरिवंश राय बच्चन भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, क्या भूलू क्या याद करूं, रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, संस्कृति के चार अध्याय, और रमणिका गुप्ता हाथ से। ठीक है, देख लीजिए यूनिट 10 में आपकी जो रचनाएं लगी हुई है वहां से ये क्वेश्चन पूछा था, क्या भूलू क्या याद करूं, भोला राम का जीव, संस्कृति के चार अध्याय। क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है कछुआ धर्म, उसने कहा था बुद्धू का काटा सुखमय जीवन। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि 2023 के एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन अज्ञेय से आया था, अज्ञेय से। तो यहाँ पर क्या होता है, कहते हैं मैम सभी रचनाएं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तो है नहीं, यहाँ पर पूछा है कहानी नहीं है, विधा पूछी है, तो इनमें से 3 तो आपकी कहानी है एक नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कछुआ धर्म, क्योंकि चंद्र शर्मा गुलेरी का निबंध है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, आज्ञा राय सर्व स्वामी। फिर से उसी पेज से क्वेश्चन पूछा है, कामता प्रसाद गुरु वाली बुक से ही ये क्वेश्चन आया है। जी इसका जवाब हो जाएगा 2 राय, यहाँ पर आपको देख लीजिए। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। ऑप्शन 1 ए बी सी डी, ऑप्शन 2 बी सी डी ए, ऑप्शन 3 डी सी बी ए, ऑप्शन 4 सी डी बी ए। जवाब दीजिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको आपको लगाना है। जी इसका जवाब हो जाएगा 4th सी डी बी ए। आगे चलते हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप कुन ज्ञान, डोकी ब्रज में आए उतारी, फाटक देई कर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ है, ये जो फाटक शब्द है इसका क्या अर्थ है? एक चिखरा, दो अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, स्त्री बड़ा दरवाजा, और झोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। जी, इसका जवाब हो जाएगा 2, अनाज फटकने से निकला हुआ कदन। आ गया क्वेश्चन नंबर 29। संस्कृति के चार अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? ये मैंने आपको पहले भी कहा है, संस्कृति के चार अध्याय वाली शुरू की चीजें, एक तो भूमिका जरूर पढ़कर जाना, और संस्कृति के चार अध्याय में चार अध्याय है, चारों अध्याय के नाम और उनके शीर्षक सारे देखकर जाइएगा, वहीं से ये क्वेश्चन भी आया है। ए आर्य द्रविड़ संबंध, बी भक्ति की प्राचीनता, सी हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, डी प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन 1 केवल ए और बी, ऑप्शन 2 केवल बी और सी, ऑप्शन 3 केवल सी और डी, ऑप्शन 4 केवल ए और सी। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए। जी, इसका जवाब हो जाएगा 4, केवल ए और सी। आगे चलते हैं, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ के संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। कारण कह रहा है, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुभाषी और परिवर्तनशील है। आपको बताना है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। इन चारों में से सही ऑप्शन बताइए, चुनाव कीजिए। जी, इसका जवाब हो जाएगा 1, दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31। अभिकथन कह रहा है, गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। कारण कह रहा है, क्योंकि वैयक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती है। आपको वही पिछले वाले चारों ऑप्शन है, बताना है क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31। बताइए, जवाब दीजिए, आपके कमेंट में पढ़ रही हूँ। जी बिल्कुल, 31 का जवाब हो जाएगा 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं नहीं है, इनमें आपको बताना है कौन कौन सी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ए सत्संग सिंगार, बी प्रेम माधुरी, सी उमर खयाम की रुबाइया, डी जॉर्ज वंदना। क्या होगा, क्या पूछा है उन्होंने? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए। जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा क्लास के आखिरी में, ठीक है? जी, जवाब हो जाएगा 4, सी और डी, ठीक है। जॉर्ज वंदना है, श्रीधर पाठक की रचना है ये, उमर खयाम की रुबाइया किसकी रचना है, आप लोग बताना, कमेंट करके बताइए। उमर खयाम की रुबाइया मुझे अभी याद नहीं आ रही है, चेक करनी पड़ेगी मुझे एक बार। चलो कोई नहीं, आप क्वेश्चन पर फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। अभी कथन है, डेरिडा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। कारण, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है।
हाँ हरिवंश राय बच्चन की। उमर खैयाम की रुबाइया किसकी? हरिवंश राय बच्चन, जॉर्ज वंदा, श्रीधर पाठक की। ठीक है बताइए क्वेश्चन नंबर 33। जी इसका जवाब हो जाएगा वर। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। और क्वेश्चन नंबर है 34। ईदगाह पानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? आपको पता है ईदगाह पानी में सब बच्चे मिलकर मेले में जाते हैं और सब कोई ना कोई खिलौना खरीदते हैं, तो आपको बताना है मोहसिन ने कौन सा खरीदा था। वकील, सिपाही, खंजरी, बिस्ती। हामिद का तो हमें याद ही रहता है, हामिद ने तो क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था उसने। जी इसका जवाब हमारा हो जाएगा फोर्थ, बिस्ती। देखो यहाँ पर ना मैंने क्लियर लिख दिया है किसने क्या खरीदा था। ठीक है हामिद ने चिमटा, नूरे ने वकील खरीदा था, महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने बिस्ती, सम्मी ने खंजरी। हो सकता है आगे एग्जाम में ये मिलान में पूछ लिया जाए किसने क्या खरीदा था। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यह कथन शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका है? यानी कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु किसने कहा है? तीन काव्य हेतु ये किसने माने हैं ये आपको बताना है। हेमचंद्र, मम्मट, डंडी, विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 35। जवाब दीजिए आप लोग। जी 35 पर जवाब हो जाएगा बी, मम्मट। यहाँ पर रचनाएं और राइटर है आपको मैच करना है। विजय देव नारायण शाही, अज्ञेय राम स्वरूप चतुर्वेदी, निर्मला जैन। इधर चारों रचनाएं के नाम लिखे हैं आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 36। जी इसका जवाब हो जाएगा 3। विजय देव नारायण शाही की रचनाएं जायसी, अज्ञेय की रचनाएं हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, निर्मला जैन की रचनाएं हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? बताइए, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे ना ऑप्शन देखकर ना अगर एक ही रचना हमारे पाठ्यक्रम की हो, पता नहीं क्यों दिमाग वहीं पर ही जाता है एकदम। और आज वाले पेपर में ज्यादा क्वेश्चन मिले हमें इस तरह के, तीन चार क्वेश्चन मिल चुके हैं अभी तक, है ना? जी इसका जवाब हो जाएगा वन, जिंदगी नामा। वैसे ये भी अच्छी ट्रिक है, पहले ध्यान नहीं करा अब ज्यादा बिल्कुल इस पर ध्यान होने लगा है। जी आगे है क्वेश्चन नंबर 38। वर्ड्सवर्थ, एलियट, टीचर्स, कॉलरिज। किसने क्या माना है, क्या परिभाषा है किसकी, क्या वो आपको बतानी है, जवाब दीजिए। हाँ जी कामायनी पुनर्विचार जो है मुक्ति बोध की रचना है, लेकिन पीछे एक क्वेश्चन था कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। ठीक है बताइए क्वेश्चन नंबर 38। जी इसका जवाब हो जाएगा 3। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। एलियट का मानना है सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। रिचर्ड्स, मन आवेगों का तंत्र है। कॉलरिज, गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? किर्कगार, सार्त्र, नीत्से, अल्बर्ट कामू, इन चारों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? जी, किसने किया? नीत्से ने किया। क्वेश्चन नंबर 40, अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई अरे यावर रहेगा याद भी, तो आपको क्या करना है, जो आपके पाठ्यक्रम की रचना है सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए वे किस विधा की रचना है। यात्रा साहित्य, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी। क्वेश्चन नंबर 40 जी, इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा यात्रा साहित्य और वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, रेवाटट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? ए, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। बी, हिजर खा और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। सी, सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सहसम्मान उसके घर भेजा। डी, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपको आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, बताइए। जी, इसका जवाब हो जाएगा बी, ए और सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से हिंद साम्राज्य के लेखक हैं? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, महादेव देसाई, काशीनाथ त्रिवेदी। वन लाइनर क्वेश्चन है जी, इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43, जैसन कैत बारा जोगी, वैसन भरत बारे रोगी, बर र सत्या सैबा राम, उपयुक्त पद किस आत्मकथा से उत्कृत है? मुर्दैया, तिरस्कृत, हादसे, आप पूतरे। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 43 का। जी, ये जवाब हो जाएगा मुर्दैया से, या मुर्दैया आत्मकथा से। आगे क्वेश्चन नंबर 44, पहले घनानंद सींचे सुजान, कहीं बतिया अति प्यार पगी, अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए, पिशाची दगानी दगी, आख्या दुखियानी कुबानी पड़ी, न कहू लगई कौन घड़ी सु लगई, मति दौड़ी थकी न लई ठिक ठोर, ऐ मोही के मोह मिठास ठगी। उक्त सवैया में प्रयुक्त लाए में कौन सा अलंकार है? यमक, सलेश, विप्सा, अपनूति, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अलंकार है। जी, इसमें यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 45, अवारा मस्या में शरदचंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? ए, वन, ऑप्शन वन देवानंदपुर, ऑप्शन टू भागलपुर, ऑप्शन थ्री बसंतपुर, ऑप्शन फोर कृष्णपुर, आपको जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। जी, जवाब हो जाएगा देवानंदपुर। 46, अंधयुग के अंकों के नाम है? कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, गांधारी का श्राप, आपको बताना है इन चारों में से क्या क्या अंधयुग नाटक के अंकों के नाम है। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा फोर्थ, सी और डी, पशु का उदय, गांधारी का श्राप। यहाँ पर लिखे हुए अंधयुग के सभी अंकों के नाम। स्थापना अंधयुग, पहला कोरम नगरी, देखो कितना सा अंतर, क्या कोरम नगरी दे रखा, कोरम नगरी का विनाश दे दिया ताकि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है,
दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर अंतराल आता है, अंतराल का नाम है पंख पहिए और पट्टिया, चौथा अंक है गांधारी का सांप, पांचवा अंक है विजय कर्मिक आत्महत्या, और समापन है प्रभु की मृत्यु। ठीक है, तो कितने अंक है? 5 अंक है, और शुरू में स्थापना मिलती है, बीच में अंतराल मिलता है, और आखिरी में समापन। 47। अब आप इस वसंत को ही लो, यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है, उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि मोचीराम मोची नहीं शायर है। ऑप्शन दो, मोचीराम नए बिंबों और प्रतीकों में बात करता है। ऑप्शन थ्री, मोचीराम वसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। फोर, मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब। जी, 47 का जवाब हो जाएगा थ्री, मोचीराम वसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। 48, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जी, ये तो वन लाइनर है, इजी क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। 49, महाकवि की तर्जनी इधर निबंध के नाम है, इधर निबंधकार के मैच करना है। महाकवि की तर्जनी, आवारा भीड़ के खतरे, आस्था और सौंदर्य, रहा किनारे बैठ, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा। मैच करना है आपको। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। जी, 49 का जवाब हो जाएगा बी, महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, रहा किनारे बैठ शरद जोशी। क्वेश्चन नंबर 50, जेहि ने मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हई विलोकत पालक भारी, पातक भारी, उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ क्या है? एक, जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। बी, मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। सी, मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। डी, मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। जी, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 1 ए और डी, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 51 अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, स्त्री संस्कृति के अभिकथन कह रहा है, स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। कारण, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिदान है। आपको बताना है, दोनों सही है और आरए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, आरए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 51 का। जी, क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब हो जाएगा 1, दोनों बिल्कुल सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे 52, विजय तृष्णा का अंत प्रारंभ में होता है अलछेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है केवल विजय से नहीं, यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? आपको बताना है, चाणक्य, दंड्यान, चंद्रगुप्त, आजीवक। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 जवाब दीजिए भाई। चंद्रगुप्त नाटक तो बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं आप।
जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 2। आगे चलते हैं 53। आई ए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं है। ऑप्शन 1 छद्म कथन की प्राथमिकता, सॉरी पॉइंट है, पॉइंट ए छद्म कथन की प्राथमिकता, 2 बी है सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, सी रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, डी तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता, आपको बताना है। क्या कह रहे हो, ये पीछे आपको ये आजीवक का लग रहा है? आजीवक था कौन? ये तो हमने नाटक पढ़ा है, मैंने तो ये नाम भी नहीं सुना आजीवक। चलो एक बार मैं इसको चेक करके टेलीग्राम पर बता दूंगी आपको, ठीक है? बुक तो मेरे पास रखी ही है, ठीक है? क्योंकि आजीवक का नाम उसमें तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, जो शुरू में पात्र परिचय दिया हुआ है ना, चेक करके बता दूंगी कंफर्म है। जी 53 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी, बी और सी। ठीक है रजनी, कोई नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 54। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आज्ञा के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। ए सागर मुद्रा, बी नदी की बाग पर छाया, सी आंगन के पार द्वार, डी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 54। जी इसका जवाब हो जाएगा 1, CADP। सबसे पहले आंगन के पार द्वार, सादर मुद्रा, उसके बाद फिर पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और सबसे आखिरी में नदी की बाग पर छाया। आगे 55। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? 1 स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, 2 स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है, 3 स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, 4 स्त्री अपने दुख को उत्सव धर्मी बनाना चाहती है। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 55 का। जी आंसर हो जाएगा 1, स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 56। ये सभी क्वेश्चन यूनिट 5 से है, जो ये काव्य वाले आते हैं ना ये क्वेश्चन। सुखिया सब संसारे खाए अरु सोवे, दुनियादास कबीर है जागे अरु रोवे। इस सभी कविता के सही प्रतिपाद्य है। ए संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, बी आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे, सी कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी, डी दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। नीचे दिए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपको आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, जवाब दीजिए। जी आंसर हो जाएगा 3, C और D। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। शाब्दी व्यंजना के प्रकार है। ए आर्थी व्यंजना, बी लक्षणा मूला, सी अभिधा मूला, डी लक्ष्य संभवा। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन 1 केवल ए और बी, ऑप्शन 2 केवल बी और सी, ऑप्शन 3 केवल ए और डी, ऑप्शन 4 केवल सी और डी। जी बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब दीजिए। जी जवाब हो जाएगा 2, B और C।
आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर कहानी और इधर उनकी विषय वस्तु रखी गई है। आपको बताना है कौन सी कहानी की क्या विषय वस्तु है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, बी अमृतसर आ गया है, सी चीफ की दावत, डी पिता। विषय वस्तु है वृद्धों की उपेक्षा, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद, देश विभाजन, देश प्रेम। जी क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब दीजिए। बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 1। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न देश प्रेम, अमृतसर आ गया है देश विभाजन, चीफ की दावत वृद्धों की उपेक्षा, पिता पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है। अचेतन, संगठन, अनैच्छिक, विघटन। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59, जी इसका जवाब हो जाएगा 4th, विघटन। आ गया क्वेश्चन नंबर 60, असाध्य वीणा साहित्य साधना के संकेतक है। प्रियवल्लभ की तरह इसकी साधना में ऑप्शन 1 आत्मान्वेषण करना पड़ता है, ऑप्शन 2 प्राणवेषण करना पड़ता है, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, ऑप्शन 4 समाज से परम मुख होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 60, अभी हमारे 40 क्वेश्चन और बचते हैं। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 60। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास देखे वे स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। बिल्कुल, जवाब हो जाएगा आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61, अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। ऑप्शन 1 साहित्य बैठे ठालों का विलास है, 2 नगर जनों के मनोरंजन हेतु है, 3 साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है, 4 साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, जी इसका जवाब हो जाएगा डी, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, चारों ये रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, सी हिंदी साहित्य का आदिकाल, डी सूर साहित्य। नेट पे भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नेट पर भी अवेलेबल है, गूगल पर जाकर सर्च करोगे मिल जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 62, जी जवाब हो जाएगा 3, DABC। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, छायावाद के बारे में सही कथन है। ए छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था, बी रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ, सी छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चलाया वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है, डी मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 1 केवल सी और डी, ऑप्शन 2 केवल ए और बी, ऑप्शन 3 केवल बी और सी, ऑप्शन 4 केवल ए और डी। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 63 का। जी जवाब हो जाएगा 1, सी और डी, ये दोनों छायावाद के बारे में बिल्कुल सही है। आय जोग सिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य है।
एक गोपिया खुश होकर कहती है कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। बी, हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती है। डी, वो सॉरी सी, दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। डी, गोपिया कहती है कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 64। जी, जवाब हो जाएगा हमारा 2 बी और सी। आ गया 65। काम मंडल से मंडित श्रेय, कामायनी से आई पंक्ति, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो, ऐसा फल भव था। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने, ऑप्शन 1 निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन टू है परवर्ती मार्ग का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन 3 निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, ऑप्शन 4 काम को ग्रहित बनाया है। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 65 का। जी, आंसर हो जाएगा हमारा 2। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, पत्रिकाएं है ये चारों, आपको लगानी है। प्रजा हितैषी, माधुरी, हंस, प्रेमचंद द्वारा संपादित आलोचना, बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का क्या जवाब होगा। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा 3। जिस क्रम में लगी हुई है यही बिल्कुल सही क्रम है। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं काव्य निर्णय, अंग दर्पण, श्रृंगार निर्णय, रस पीयूष नदी निधि। बताइए इनमें से कौन कौन सी भिखारी दास की रचनाएं हैं। जी, जवाब हो जाएगा 1 ए और सी, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भिखारी दास की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। शिव शंभु की चिट्ठी की विशेषताएं हैं, भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। आपको कोड बनाकर जवाब देना है इन चारों में से क्या क्या सही है। जी, जवाब हो जाएगा 3, सी और टी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, नीड का निर्माण फिर आज के अतीत, क्या भूलू क्या याद करूं, बसेरे से दूर, इजी ही है ये तो क्वेश्चन। इसमें पूछा आत्मकथा नहीं है, ठीक है। जी, इसका जवाब हो जाएगा 2, आज के अतीत। आज के अतीत किसकी है बताइए, आत्मकथा किसकी, आज के अतीत, कल या परसों में भी मैंने आपको ये बताया था, कमेंट कर बताइए आप। इतने हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोचे वतन संग्रह की कहानियां हैं, ए यह मेरा वतन है, बी आहूति, सी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, डी जुलूस। जी बिल्कुल, आज के अतीत जो है भीष्म साहनी की आत्मकथा है, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में, 4 भागों में है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 ए और सी, यही मेरा वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सोजे वतन में 5 कहानी संकलित है, पांचों के पांचों कहानियों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पेपर में ये पूछी गई, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, यह मेरा वतन है। आगे क्वेश्चन नंबर 71। 70 हो गया, ये क्वेश्चन है 71।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल, पाजीब। क्वेश्चन नंबर 71। जी, इसका जवाब हो जाएगा 3 ACDP। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। नीरव मुरली कलरव चुपली कुल थे बंद नलिन में, कालिंदी बही पढ़ने की इस तमय हृदय पुलिन में, उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। ऑप्शन ए सॉरी पॉइंट ए, दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। बी पॉइंट कह रहा है, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। सी पॉइंट है, दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। डी पॉइंट कह रहा है, बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भोरे भी गुजार नहीं कर रहे थे। आपको जवाब देना है, चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। जी, जवाब हो जाएगा 2 A और B। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 73। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ए रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। बी रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती है। सी रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से मयसी नहीं बन पाई है। डी रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राजसरों से विमुख होने लगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 केवल ए और सी, ऑप्शन 2 केवल ए और बी, ऑप्शन 3 केवल ए और डी, ऑप्शन 4 केवल बी और सी। आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 73। वैसा आपने इसका जवाब देख लिया होगा, मेरे से गलती से आगे वाली स्क्रीन हो गई थी जिसमें जवाब लिखा हुआ था। आंसर हो जाएगा 1 A और C। आगे चलते हैं, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है, मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है क्योंकि नीत्से का मानना है कि ईश्वर मर गया है। तो बताइए इन चारों में से क्या सही होगा। ऑप्शन 1 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 ए सही आर गलत, ऑप्शन 4 ए गलत आर सही। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 74। जी, इसका जवाब हो जाएगा ए गलत है, आर सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निरख सखिए खंजर आए गीत से संबंधित तथ्य है। ए मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुक करके मेरा ध्यान किया है इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजर यहाँ दिखाई देने लगे हैं। बी उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है इसलिए कामदेव डरकर भाग गया है। सी उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। डी मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिया की छवि देख ली है। जवाब देना है, चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी, इसका जवाब हो जाएगा 2 A और C। ए और सी। क्वेश्चन नंबर है 76। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है। ए स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति। बी भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण। सी पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती। डी
स्त्री की पक्षधरता का निषेध, आपको जवाब देना है क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, जी इसका जवाब हो जाएगा 3, B और C। भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती। आगे क्वेश्चन नंबर 77, आकाशदीप कहानी के वर्ण्य विषय है। ए आत्मसमर्पण, बी पिता की हत्या का प्रतिशोध, सी प्रच्छन्न प्रेम, डी पुरुष की निरंकुशता। आपको बताना है, जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 77 का। और जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट में पिन किया हुआ है। वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, उसमें आपको सब जानकारी मिल जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 1, B और C, पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम। आगे क्वेश्चन नंबर 78, पौन चलत वे देव बरावे, जल पीवत वे जीव गवावे, है वे प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वे नार। इस पहेली का सही उत्तर है, जवाब दीजिए, इस पहेली का क्या सही उत्तर होगा। अमीर खुसरो की पहेली है जी, बिल्कुल, 78 का जवाब हो जाएगा 4, आग। क्वेश्चन नंबर 79, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद, प्रकरण, सर्ग, काल। ये तो इजी ही है, ये तो मैं आपको पता ही है, ये प्रकरण में है और कितने प्रकरण है वो भी बता चुके हैं और सभी प्रकरण के नाम भी आपको पता है। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ए निश्चित अर्थ, 2 मुख्यार्थ, 3 अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, 4 अन्यार्थ। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 80 का जवाब देना है। जी इसका जवाब हो जाएगा 4th अन्यार्थ। आगे क्वेश्चन नंबर 81, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ए ऑप्शन 1 अंधेरे में, ऑप्शन 2 दूसरी दुनिया, 3 पिछली गर्मियों में, 4th बादलों के घेरों में। बताना है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी नहीं है। जी इसका जवाब हो जाएगा 4th बादलों के घेरे में। किसकी कहानी है, कृष्णा सोबती की। ठीक है, और अंधेरे में नाम से एक तो निर्मल वर्मा की कहानी और एक कविता भी मिलती है। ठीक है, मुक्ति बोध की कविता भी है अंधेरे में के नाम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है। नायक, नर्तक, निर्देशक, विदूषक। हाँ जी, बादलों के घेरों में कृष्णा सोबती क्या 1980 में, बिल्कुल सही कह रहे हो। जी इसका जवाब हो जाएगा 1, नायक। आगे क्वेश्चन नंबर 83, इधर पंक्तियां इधर कविताकार के नाम है। धूमिल, मुक्ति बोध, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय। इधर इनकी पंक्तियां आपको मैच करनी है, किसकी कौन सी पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 83, जी
इसका जवाब हो जाएगा टू। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर, वे इस कदर पस्त है धूमिल क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अज्ञ सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन, निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है, मुक्ति बोध। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है, ए राम और काम बद्वन, बी पत्नी के प्रति अति से आसक्ति, सी सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, डी काशी की वैश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। जी बिल्कुल, हम नदी के दुई भैंस। जी, इसका जवाब हो जाएगा थ्री, ए और बी। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र है, ए महेश पांडे, बी बच्चन सिंह, सी सरदारी लाल, डी जगपति। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कोड वाले ही आने लगे हैं, मतलब मुझे लग रहा है 25-30 क्वेश्चन तो ये आराम से आते होंगे कोड वाले। ठीक है, फिर कुछ मिलान वाले हो जाते हैं, कुछ प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम वाले हो जाते हैं, अभिकथन कारण वाले हो जाते हैं, और 10-15 क्वेश्चन वन लाइनर हो जाते हैं, और 10 आपके क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा टू, बी और डी, बच्चन सिंह और जगपति। राजा निर्वंशिया में तीन ही ज्यादा प्रमुख पात्र है, जगपति, चंदा और बच्चन सिंह। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 86। युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, संसार में अनेक ऐसे परिवर्तन संभव, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की ब्रज लेखनी से अंकित ऐदृश लिपि नहीं धुल सकी। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेन्दु हरिश्चंद्र। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 86 का। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा हमारा टू, महादेवी वर्मा। आगे क्वेश्चन नंबर 87। इधर कुछ पात्र है नाटक के, पात्र है अलग अलग नाटक के, और उनकी पंक्तियां आपको मैच करनी है। आलस्य, देवसेना, गांधारी, भिस्ती, बताइए। क्वेश्चन नंबर 87। जी, इसका जवाब हो जाएगा वन। आलस्य की पंक्तियां, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे ही उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। देवसेना का है, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। गांधारी की है, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मुड़ उधर जय होगी। भिस्ती की पंक्तियां, बकरी को क्या पता था मस्त बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वे कुछ न कहेगी। ठीक है, जवाब हो जाएगा हमारा वन। आगे क्वेश्चन नंबर 88। इधर कविताकार है, राइटर है हमारे सूरदास, जायसी मीरा कवि। इधर इनकी पंक्तियां आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 88। जी, इसका जवाब हो जाएगा टू। पग बांध घुंगरू काचारी, यह मीरा की। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो क्रीड़ा रास, ये कबीर की है। तेही दुख भये परास निपाते, ये मलिक मोहम्मद जैसी की है। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये सूरदास की है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। रेवा टंड समय के तथा पृथ्वीराज रासों के वे सारे छंद जिन्हें
चंद वरदाई ने कवित संज्ञा दी है। वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित संज्ञक वे छंद है सवैया घनाश्री रोला छप्य, आपको बताना है इन चारों में से क्या है वे। जी 89 का जवाब हो जाएगा फोर्ट। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए क्वेश्चन में तो वीडियो पॉज कर क्वेश्चन पढ़ ले, जब आपको लगे आप जवाब दे रहे हो उसके बाद आगे बढ़ा ले वीडियो को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, उसके बाद ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फिर 10 क्वेश्चन है हमारे कॉम्प्रिहेंशन के। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम है, आपको बताना है। ए साइंस एंड पोएट्री, बी लिटरेरिया, डी द सेक्रेड वुड, डी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब। फिर हम चलेंगे अपने कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। जी इसका जवाब हो जाएगा 2 BCAD। अब है हम अपने कॉम्प्रिहेंशन की तरफ, ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 91 कह रहा है, श्रोता सुंदर शब्द का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं क्योंकि श्रोता शब्द का विशेष अर्थ ले ही नहीं सकते। टू वक्ता के निर्देश पर श्रोता सुंदर का विशेष अर्थ लेते हैं। थ्री सुंदर शब्द सुंदरता का सामान्य अर्थ ही देता है। डी ये अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है, प्रतिभा अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई कोई श्रोता शब्द का सामान्य से अर्थ लेता है। ये तो हुआ क्वेश्चन, अब आप लोग पैराग्राफ पढ़िए आराम से जवाब दीजिए, ठीक है। बताइए जब आपको लगे कि आप जवाब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया जवाब दे दीजिएगा। जी रजनी, ठीक है। जी इसका जवाब हो जाएगा डी। आ गया क्वेश्चन नंबर 92, कवि साधारणीकरण क्यों करता है। वन इसलिए कि वह सादृश्य विधान के द्वारा सामान्य को विशिष्ट दिखाना चाहता है। बी वह साधारण की प्रतीति साधारण रूप में कराना चाहता है। थ्री वह विशेष के सहज अर्थ बोध के लिए विशिष्ट को साधारण बनाता है। फोर्थ समता मूलक दृष्टि के कारण वह हर चीज को साधारण दिखाना चाहता है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 का ओके ठीक है। थ्री का जवाब है ये रहा, वह विशेष के सहज अर्थ के लिए विशिष्ट को साधारण बनाता है, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 93, हृदय में तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है क्योंकि ऑप्शन वन लेखक ने कवि की तरह हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है। ऑप्शन टू वह कवि की तरह बात को अलंकारिक ढंग से व्यक्त नहीं करना चाहता। थ्री वह श्रोता को ध्यान में रखकर सौंदर्य के सामान्य अर्थ की प्रतीति कराना चाहता है। डी लेखक अभिधा मूलक अभिव्यक्ति का आग्रही है इसलिए वह काकु वक्रोक्ति या उपमान योजना को निरर्थक समझता है, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 93 का।
कॉम्प्रिहेंशन आपके ऊपर है, आप पढ़िए और जवाब दीजिए। जी, इसका जवाब हो जाएगा वन। लेखक में कवि की तरह हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 94। सामान्य आदमी अनुभूत सौंदर्य का साधारण भोक्ता होता है, भाष्यकार होता है, मीमांसक होता है, विशेष अर्थबोध कराने वाला कलाकार होता है, आपको बताना है। जी, इसका जवाब हो जाएगा वन, साधारण भोक्ता होता है। 95। शब्द सदा सामान्य अर्थ व्यक्त करते हैं क्योंकि शब्द में विशेष अर्थ व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। ऑप्शन दो, हर शब्द का केवल सामान्य अर्थ होता है। ऑप्शन थ्री, प्रयोक्ता सामान्य अर्थ ही समझता है। ऑप्शन चार, सामान्यतः सामान्य अर्थ में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्द का विशेष अर्थ प्रयोग और परिस्थिति पर निर्भर करता है। बताइए, आपको जो जवाब देना है इस कॉम्प्रिहेंशन के अनुसार देना है, ठीक है? जी, बिल्कुल, इसका जवाब हमारा हो जाएगा फोर। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हुआ, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन आप खुद करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96, 97, 98, 99 और 100, ठीक है? खुद से सॉल्व कर लीजिएगा कॉम्प्रिहेंशन, इग्नोर मत कीजिएगा। 10 प्रयास। क्लास आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, आपको लगा कि एग्जाम में हमारे काम आएगी, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।